हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट न्यू टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वैसे काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, बट आप अगर थोड़ा सा फोकस करोगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली चैप्टर सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, दैट्स इट। और ये चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ों से आपको डील करना है, एक तो है परम्यूटेशन और दूसरा है कॉम्बिनेशन। ये दोनों वर्ड्स के मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, और इस पार्ट में हम पूरा हमारा जो फोकस होगा वो पूरी तरीके से परम्यूटेशन के ऊपर होगा। कहाँ होगा स्टूडेंट? परम्यूटेशन के ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, देखते हैं। तो व्हेन द ऑर्डर डजंट मैटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। स्टूडेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको काउंटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको काउंट करना है कि कोई कौन सी चीज़ कितने बार अपियर हो रही है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। जब आप नंबर्स को अरेंज करते हो और वहाँ पे वो नंबर्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 इज सेम एज 2 3 1 एंड 3 2 1, तीनों को भी हम क्या कंसिडर करेंगे? सेम ही करेंगे कॉम्बिनेशन की केस में। फिलहाल पहले पार्ट में आपको कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, मूव करते परम्यूटेशन की तरफ। व्हाट इज परम्यूटेशन? व्हेन द ऑर्डर डज मैटर, जब ऑर्डर मैटर करता है स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? परम्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। दैट इज परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन। तो ये परम्यूटेशन कुछ नहीं, एक टाइप का ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 3 1 एंड 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो पोजीशन है नंबर्स की वो क्या करेगी? यहाँ पे मैटर करेगी। तो ऐसे नंबर्स की जब हम काउंटिंग करते तो हम उसे कहते हैं परम्यूटेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? परम्यूटेशन। फाइन, चलिए और देखते हैं, परम्यूटेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ परम्यूटेशन। तो पूरे चैप्टर में आपको दो टाइप के परम्यूटेशन देखने मिलेंगे स्टूडेंट। पहला परम्यूटेशन जहाँ पे रिपीटेशन वुड बी अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। एक ही नंबर हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटेशन इज अलाउड। सच हैज लॉक अबो इट कुड बी 999। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे लॉक में जो नंबर है 999 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक नंबर अगर आ चुका है तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी वो रिपीट हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिपीटेशन आर अलाउड, ठीक है। ऐसे टाइप के सम्स को हम कहेंगे रिपीटेशन आर अलाउड। सेकेंड जो टाइप है वो है नो रिपीटेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट थ्री पीपल इन अ रनिंग रेस, यू कांट बी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। अगर तीन लोग दौड़ रहे स्टूडेंट, तो आप फर्स्ट और सेकेंड साथ में नहीं आ सकते। आप जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में फर्स्ट बंदा आएगा, सेकेंड बंदा पहुंचेगा, थर्ड बंदा पहुंचेगा, वो मैटर करेगा, ठीक है। वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। कोई भी एक पर्सन दो अलग अलग क्या बोलते हैं टाइम पे पोजिशन होल्ड नहीं कर सकता। तो वैसे टाइप को हम कहेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो जब हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते स्टूडेंट, विदाउट रिपीटेशन अवर चॉइस गेट रिड्यूस ईच टाइम। तो जैसे जैसे हमारा जो रिपीटेशन अवॉइड होता है, तो जो हमारा चॉइस होता है, जो हमारा ऑप्शंस होता है, वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो जब आप सम्स करोगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे मूव करते हैं, परम्यूटेशन को समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। ओके, तो परम्यूटेशन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम नोट करते हैं। NPR, जहाँ पे आपका N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आइटम्स टू बी चूजन्स, ठीक है, और उसमें से सिलेक्ट कितना करना है, ठीक है। तो आपको कितने आइटम्स दिए होगी वो आपका यहाँ पे होगा। हो सकता है आपको 5 नंबर्स दिए हो, 6 नंबर्स दिए, 10 नंबर्स दिए, जितने भी नंबर आपके पास अवेलेबल है वो आपके एन कहलाएगा, और उसमें से आपको कितने नंबर्स को सिलेक्ट करना है वो आपका आर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम परम्यूटेशन को नोट करते हैं। ओके, परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। जो नंबर्स अपियर होगा उनका ऑर्डर मैटर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा पीछे पीछे भी, 1 2 3 वुड बी डिफरेंट फ्रॉम 2 3 1 एंड 3 2 1 एंड सो ऑन। ओके, मूविंग फर्दर, दो टाइप के सम्स हमने देखे, उसको हम और समझने की कोशिश करते हैं। पहला टाइप था जहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे रिपीटेशन इज अलाउड वाले सम कैसे हो गए? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं,
हाउ मैनी नंबर्स कैन बी सिलेक्टेड, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी सॉरी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 to 3, थ्री डिजिट नंबर्स आपको फॉर्म करना है और आपको कितने डिजिट दिए हुए, 5। तो ये आपका एन हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ओके। और ये एन नंबर में से आपको थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यह हो गया आपका आर, ठीक है। तो ये एन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए आपको, वो आपका एन, और उसमें से कितने सिलेक्ट करना है वो हो गया आपका आर। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स को अरेंज करना है, 5 नंबर जिनको 3 डिजिट्स में अरेंज करना है, ठीक है, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो स्टूडेंट वो हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन, रिपीटेशन अलाउड वाला सम है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 3 ब्लैंक प्लेसेस पड़ी हुई है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 ब्लैंक स्पेसेस पे आप कितने नंबर फिल कर सकते हो, ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो, क्योंकि आपके पास 5 नंबर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। तो अगर पहली प्लेस को अगर फिल करना है तो आप इसको 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हैं। कितने वे में, 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है स्टूडेंट। जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा वो नंबर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं इसको भी 5 डिफरेंट वे में क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। और सेम नंबर यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है, तो इसे भी मैं 5 डिफरेंट वे में क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 5 नंबर को मुझे सिलेक्ट करना है, और अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो हर ब्लैंक स्पेस को फिल करने के मेरे पास 5 5 5 ऑप्शंस रहेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंगली मैं 125 वेज में, कितना 125 वेज में नंबर्स को अरेंज कर सकता हूँ, थ्री डिजिट नंबर फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली प्लेस फिल करने के लिए आपके पास 5 नंबर्स थे, 5 ऑप्शंस थे, एंड सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए 5, एंड थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 5। तो इस तरीके से आप 125 वेज में ये 5 डिजिट नंबर को यूज़ करके 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, ओके फाइन। मूविंग फर्दर स्टूडेंट, इसे इंटरप्रेट करते हैं हम एक बार। दिस आर द ईजिएस्ट टू कैलकुलेट, ये जो है स्टूडेंट बहुत ईजी है कैलकुलेट करना इस टाइप के सम। जो रिपीटेशन अलाउड वाले सम है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों, वैन अ थिंग हैज एन डिफरेंट टाइप। तो ये थिंग्स यहाँ पे हमारे नंबर हो गए, कितने टाइप है, 5 टाइप है। वैन अ थिंग हैज एन डिफरेंट टाइप्स वी हैव एन चॉइसिस ईच टाइम, और हमें चॉइस कितना करना है, 3 प्लेसेस को हमें चूज करना है, करेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग 3 ऑफ दिस थिंग, जो 5 नंबर इसमें से आपको 3 नंबर चूज करना है, द परम्यूटेशंस आर एन एन एन। तो जितने भी आपके नंबर्स है वो नंबर्स आपके वही ब्लैंक स्पेसेस पे आ जाएंगे, एन एन एंड एन। इस तरीके से आप 125 वेज में नंबर्स अरेंज कर सकते हो, 5 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट के नंबर आप अरेंज कर सकते हो, ओके फाइन। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ओके। तो हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, और इस 5 डिजिट से आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं आपको पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ऐसे आपके पास 3 ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं अभी आपको। ये 3 ब्लैंक प्लेसेस में कितने कितने नंबर्स आ सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर आपको समझो, अगर आप यहाँ पे ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर यहाँ पे ले लेते हो, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो, तो आपको ये प्लेस को फिल करने की 5 डिफरेंट वे, कितने, 5 1 2 3 4 5, 5 नंबर से कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे नंबर ले लिया स्टूडेंट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो ऑप्शन यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं हमने यहाँ से 5 नंबर ले लिया, पहले जो ब्लैंक स्पेस था वहाँ पे हमने नंबर 5 लिया, तो ये ऑप्शन चला गया। अब आप इस नंबर को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो सेकेंड ब्लैंक को फिल करने के लिए स्टूडेंट आपके पास कितना ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन ही बचे हैं, ठीक है। तो सेकंड में आप 4 में से कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सेकंड प्लेस पे 2 नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर ही अवेलेबल होगा, कितने नंबर, 3 नंबर। तो अगर लास्ट प्लेस फिल करें तो मैं यहाँ पे 3 नंबर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने ये प्लेस भी फिल कर दी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर को अरेंज कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज आई कैन अरेंज द नंबर इज 5 × 4 × 3। अब ये कैसा है स्टूडेंट, ये पहली प्लेस को मैं 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकता हूँ, एक नंबर फिल करने के बाद में सेकेंड प्लेस को मैं 4 डिफरेंट वे में फिल कर सकता हूँ,
सेकेंड ब्लैंक प्लेस को भरने के बाद में जो लास्ट नंबर है उसको मैं थ्री डिफरेंट वे में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों प्लेस को फिल करने के लिए एग्जैक्टली मुझे 60 वेज मिलेगी, कितने 60 डिफरेंट वेज में मैं नंबर्स को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, करेक्ट, फाइन। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझा होगा ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन दिस केस वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइस ईच टाइम। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट हमारे जो नंबर ऑफ चॉइस है 125 से लेके 60 वेज तक ही पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि जो रिपीटेशन था हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया ईच टाइम। ओके फाइन स्टूडेंट, अभी इसको हम फॉर्मूला की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे आपका एन है नंबर ऑफ चॉइस अवेलेबल, फाइव नंबर्स अवेलेबल, तो फाइव फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एन यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शंस, पांच ऑप्शन है तो फाइव, उसमें से आपको तीन ब्लैंक स्पेस सिलेक्ट करने थे तो माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट। ये फैक्टोरियल होता क्या, फैक्टोरियल होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो अगर आपको फाइव फैक्टोरियल दिया, आप इसको फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिख सकते हो, ओके, और आपका टू फैक्टोरियल आया तो टू इंटू वन लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे टू फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया क्योंकि दोनों भी क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला की मदद से भी इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एन इज वेयर, अभी यहाँ पे एन क्या स्टूडेंट, आपका नंबर ऑफ थिंग्स टू बी चूजन फ्रॉम, ठीक है। कितने हमारे पास ऑप्शंस है, थिंग्स फाइव डिफरेंट थिंग्स है जिसमें से हमें चूज करना है, एंड वी चूज आर ऑफ देम, उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने स्टूडेंट, सिर्फ तीन ही ब्लैंक प्लेसेस आपको सिलेक्ट करने थे। तो आर आपका जितना प्लेस आपको सिलेक्ट करना है, मेक श्योर नो रिपीटेशन इज अलाउड एंड ऑर्डर मैटर इन केस ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो टाइप के सम हमने कवर किए यहाँ पर, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो सम्स है वो हम कवर करेंगे। इसमें फॉर्मूला है सच रिक्वायर्ड नहीं है, तो डोंट वरी, हम विदाउट फॉर्मूला पहले जो एक्सरसाइज है वो कवर अप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। ओके चलिए एक और कॉन्सेप्ट आप देख लेते हैं इसके पहले, फिर बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो चैप्टर है स्टूडेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, वो पूरी तरीके से किससे डील करता है, काउंटिंग के ऊपर, आप कितने अलग अलग तरीके से नंबर्स को अरेंज कर सकते हो, ये चैप्टर हमें बताता है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन पेन है और दो मार्कर है, ठीक है, तीन पेन है और दो मार्कर है। अब मुझे इसमें से क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे बोला गया है कि कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करो, क्या कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करो इसमें से, आइदर थ्री पेन या टू मार्कर्स, तो मैं कितने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मुझे सिलेक्ट करना है इनमें से कुछ एक चीज़ को, तो मैं डेफिनेटली वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ऑप्शन है, फाइव डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, फाइव डिफरेंट वे से मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। सो लेट्स सी कैसे इसे प्रेजेंट करेंगे। आइदर आई कैन पिक पी वन, दैट इज पेन वन, ओके, पी टू यानी कि पेन टू, पी थ्री यानी कि पेन थ्री, ओके, इन तीनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आइदर पी वन और पी टू और पी थ्री और मार्कर वन, दैट इज एम वन, ओके, और मार्कर टू, दैट इज एम टू, इन दोनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो जब भी आपके पास में और करके लिखा है स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उन सभी को आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ये आपका फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, ठीक है। ये क्या कहता है, जब भी आपको और दिखाई दे तो वो केस में आपको सभी को ऐड करना है, उतने पॉसिबल वेज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप फाइव वेज है जहाँ से आप इन नंबर को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप फाइव अलग अलग डिफरेंट वेज है जहाँ पे आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, दे आर फाइव डिफरेंट वे ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन, ठीक है ना। ओके नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, इन हाउ मैनी वेज कैन यू पिक वन पेन एंड वन मार्कर। अब मुझे बोला गया है कि कितने तरीके हैं
जहाँ से मैं वन पेन और वन मार्कर को चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कितने तरीके जहाँ से मैं वन मार्कर और वन पेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कितने ऑप्शन है मेरे पास में। तो पहला मैं P1 और M1 सिलेक्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपको वन पेन सिलेक्ट करना है और वन मार्कर सिलेक्ट करना है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा हो सकता है वन पेन एंड वन मार्कर, सेकेंड हो सकता है मेरा पेन वन एंड मार्कर टू, करेक्ट, और पेन वन एंड मार्कर वन, और पेन वन एंड मार्कर टू, या फिर हो सकता है स्टूडेंट P2 पेन टू एंड मार्कर वन, या फिर पेन वन और मार्कर टू। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है मेरा P3 एंड मार्कर वन एंड P3 एंड मार्कर टू। तो पेन सिलेक्ट करने के जो ऑप्शन है स्टूडेंट P1 और P2 और P3, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ सॉरी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल एडिशन में के थ्रू अगर मैं इन्हें ऐड कर दूँ, तो दे आर थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग पेन। कितने वेज है? थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ पेन। एंड दिया हुआ स्टूडेंट, एंड का यहाँ पे मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेज डेट वेन एवर एंड कम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो देर आर थ्री वेज ऑफ सिलेक्टिंग पेन, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन एंड मार्कर सिलेक्ट करें, तो आइदर मैं M1 सिलेक्ट करूंगा और M2, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा। तो मार्कर को सिलेक्ट करने के दो वेज है। कितने वेज है स्टूडेंट? दे आर टू वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ मार्कर। तो इस तरीके से मैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन को यूज करके इजीली नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे टोटल यहाँ पे परम्यूटेशंस मिले, मुझे टोटल कितने मिले? सिक्स। सिक्स वे है जिसके थ्रू मैं चीज़ों को अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के थ्रू मैंने यहाँ पे थ्री वेज निकाले पेन को सिलेक्ट करने के, और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की मदद से मैंने यहाँ पे टू वेज मार्कर को सिलेक्ट करने के निकाले, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंड है। क्या है स्टूडेंट? एंड है। तो इन दोनों क्या बोलते हैं वेज को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी मदद से मुझे आंसर मुझे मिल जाता है, जो कि सिक्स डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू मैं पेन और मार्कर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट अब ये जो टॉपिक है ये आपका 12th स्टैंडर्ड में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, और फर्स्ट ईयर BCom में भी है। तो अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड के लिए देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है स्टूडेंट। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। ठीक है, सो मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, पहला सम देखते हैं 6.1 एक्सरसाइज 6.1 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का 6.1 एक्सरसाइज का सबसे पहला सम है स्टूडेंट। ठीक है, क्वाइट सिंपल सम है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल सम है। देखते हैं स्टूडेंट, अ टीचर वॉन्ट टू सिलेक्ट, क्या दिया हुआ? अ टीचर वॉन्ट टू सिलेक्ट द क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। तो 30 बॉय है और 20 गर्ल्स है, इन हाउ मैनी वे कैन ही सिलेक्ट अ स्टूडेंट इफ मॉनिटर कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। अगर मॉनिटर बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, तो कितने अलग अलग तरीके से टीचर मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकती है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर बाद में हम लिखेंगे स्टूडेंट जो स्कूल है वहाँ पे कितने बॉयज हैं, क्लास वाइज जो क्लास है वहाँ पे 30 बॉयज़ है और 20 गर्ल्स है। हम नोट कर देते हैं देर आर 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, अभी इन 30 बॉयज़ और 20 गर्ल्स में से टीचर को एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है। कितना करना है? एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है। वो नोट कर देते, टीचर वॉन्ट टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर फ्रॉम दिस बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो अगर अगर टीचर को बॉयज़ सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, तो टीचर के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? अगर 30 बॉय में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो टीचर के पास तीन ऑप्शंस है, बरोबर। ठीक उसी तरीके से 20 गर्ल में से अगर एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है टीचर के पास, तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 ऑप्शंस है। ठीक है, द बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन 30 वेज, खाली बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, एंड गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 20 वेज अगर सिर्फ गर्ल को सिलेक्ट करना है तो। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे आइदर बॉय और गर्ल, यहाँ पे लिखा हुआ और बॉय और गर्ल, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो
अभी क्योंकि यहाँ पे बॉय और गर्ल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ करने वाले, क्योंकि हमने पिछले देखा था जब भी आपको और दिखाई दे तो वहाँ पे आपको एडिशन करना है, और जब भी आपको एंड दिखाई दे वहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज अ बॉय और अ गर्ल कैन बी सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर, फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे और दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वे आइदर अ बॉय और अ गर्ल इज सिलेक्टेड इन अ क्लास एज अ क्लास मॉनिटर इज 30 + 20 = 50, कितना 50 वेज में हम लोग सिलेक्ट, या टीचर के पास ऑप्शन है मॉनिटर को सिलेक्ट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्वेश्चन वन, इन हाउ मैनी वेज कैन अ मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ बॉय, व्हाट इज द आंसर इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। अगर क्लियरली बोला हुआ है जो मॉनिटर है वो बॉय ही होना चाहिए स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, 30 बॉय है, 30 में से कोई भी एक बंदा बन सकता है, तो बॉयज़ 30 बॉयज़ में से अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मेरे पास में टोटल 30 पॉसिबिलिटीज होगी जिसके थ्रू, जिसकी मदद से मैं मॉनिटर सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो दे आर 30 डिफरेंस वे। और खाली गर्ल सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, गर्ल में से अगर किसी मॉनिटर को सिलेक्ट करना है तो टीचर के पास 20 ऑप्शंस होंगे, कितने 20। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, सिंस दे आर 30 बॉयज इन अ क्लास, 30 बॉयज है, अ बॉय मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड इन 30 वेज, तो कोई भी 30 तरीके से हम बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से, सिंस दे आर 20 गर्ल्स इन अ क्लास, अ गर्ल मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड इन 20 वेज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड सम भी कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट सम और सेकंड सम हमने कंप्लीट किया। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे थर्ड सम की तरफ, ठीक है। तो मूविंग टूवर्ड थर्ड सम, अ सिग्नल इज फॉर्म, अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग बाय पुटिंग वन फ्लैग ओवर द अनदर, इफ फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ कि मेरे पास चार फ्लैग्स है अलग अलग कलर के, चार फ्लैग को यूज़ करके मुझे सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, दो फ्लैग्स की मदद से मुझे सिग्नल जनरेट करना है, तो कितने तरीके होंगे जिससे मैं सिग्नल्स को जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, और अगर मैं एक फ्लैग यूज़ कर लूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो ये आपका नॉन रिपीटेशन वाला समय, ये भी आपको क्लिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने चार अलग अलग कलर के फ्लैग्स को क्या किया स्टूडेंट, ले लिया है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, और उसको प्लेस करना है वन अबोव अनदर, ठीक है ना, वन फ्लैग ओवर द अनदर, तो मुझे फ्लैग को अरेंज करना है। तो स्टूडेंट अगर मुझे पहला बॉक्स अगर फिल करना है, दो फ्लैग्स इंसर्ट करने हैं इसमें और सिग्नल जनरेट करना है, तो अगर मुझे पहला बॉक्स सिग्नल क्या बोलते हैं, पहला बॉक्स अगर फिल करना है तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास 1 2 3 4, फोर ऑप्शंस है मुझे इसे फिल करने के, ठीक है ना, कितने ऑप्शंस है, फोर ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल है पहला बॉक्स फिल करने के लिए, पहला फ्लैग इंसर्ट करने के लिए। तो मैं इसे इंसर्ट कर देता स्टूडेंट, जैसे ही मैंने पहला फ्लैग इंसर्ट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, अब मैं इस फ्लैग को दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अलग अलग कलर से मुझे सिग्नल्स जनरेट करने हैं। तो अभी सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज है, तीन फ्लैग है, तो तीन अलग अलग फ्लैग में यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इस टोटली मेरे पास यहाँ पे थ्री वेज है, कितने थ्री वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जहाँ पे मैं सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ वो आपको क्लियर हो गया रहेगा 12, क्योंकि यहाँ पे फोर वेज है एंड एंड आएगा और नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले फिल करने के लिए फोर वेज है, क्योंकि चारों में से कोई ये फ्लैग ये फ्लैग ये फ्लैग या ये फ्लैग, चार फ्लैग थे, तो ये या ये या ये या ये, तो चार हो गए, चार ऑप्शंस और था, तो सबको प्लस करने पे फोर वेज मिल गए। एंड सेकेंड फ्लैग इंसर्ट करने के लिए मेरे पास में फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, तो यूज़ करने पे टोटल थ्री वेज मेरे पास में यहाँ पे मिल रहे, तो सेकेंड प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास में थ्री ऑप्शंस अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली पहले वाले बॉक्स में फोर वेज से मैं फिल कर सकता हूँ एंड सेकेंड वाले बॉक्स में थ्री वेज से फिल कर सकता हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट मेरे को टोटल पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी, जो कि मेरा यहाँ पे आएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है। सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन, अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग, दो फ्लैग से सिग्नल जनरेट करना है, एंड देर आर फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, चार फ्लैग है स्टूडेंट अलग अलग कलर के। ओके, फर्स्ट फ्लैग कैन बी एनी वन ऑफ द अवेलेबल फ्लैग, तो चार फ्लैग में से फर्स्ट
फ्लैग कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, कितने? चार अलग अलग वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये और ये और ये और ये वाला, ठीक है। तो चार वे से आप अलग अलग फ्लैग को फिल कर सकते हो, तो और था तो टोटल फोर वे थे, तो मैंने फोर वे यहाँ पे लिख दिया। नाउ सेकेंड फ्लैग्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर विच थ्री फ्लैग्स आर अवेलेबल। सेकेंड फ्लैग को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ तीन ही फ्लैग है, फर्स्ट फ्लैग और सेकेंड फ्लैग और थर्ड फ्लैग्स। तो टोटल वेज कितने हो गए स्टूडेंट? थ्री वेज हो गए। तो सेकेंड फ्लैग्स कैन बी एनी वन ऑफ दिस थ्री फ्लैग्स, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे मुझे पहली प्लेस फिल करने के लिए फोर फ्लैग्स अवेलेबल है एंड सेकेंड प्लेस फिल करने के लिए थ्री ऑप्शन, ये दोनों की मदद से सिग्नल जनरेट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बीच में एंड है, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इट कैन बी सिलेक्टेड इन थ्री वेज, ठीक है। तो सेकंड फ्लैग को हम थ्री वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू, क्योंकि स्टूडेंट फोर एंड थ्री वेज है जिससे मैं फ्लैग्स को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल ट्वेल्व कितना मिल गया? ट्वेल्व। तो देयरफॉर देयर आर ट्वेल्व डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो फोर फ्लैग की मदद से, ठीक है, आप अलग अलग 12 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो जब आप एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग के ऊपर रखोगे तब, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड फोर्थ सम। ओके, फोर्थ सम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है? हाउ मैनी टू लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्पेस व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। पहला दिया रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, सेकेंड दिया हुआ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको टू लेटर्स वर्ड फॉर्म करने, कौन से वर्ड से? स्पेस। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव आपको लेटर्स दिए हुए, उन फाइव लेटर्स से आपको टू लेटर वर्ड्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट टू लेटर वर्ड्स के लिए मैं टू ब्लैंक स्पेस ले लिए, ठीक है। अब मानो मैं अगर यहाँ पे पहला जो बॉक्स फिल करना है, इसे फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पांच नंबर में से कोई भी लेटर, में फाइव लेटर में से मैं कोई भी लेटर चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला ब्लैंक प्लेस फिल करने के मेरे पास पांच ऑप्शंस है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है रिपीटेशन इज अलाउड, क्या दिया हुआ है? रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। तो अगर मैंने यहाँ से पाँच में से कोई भी एक लेटर ले लिया है, तो वो सेम लेटर मैं सेकेंड बॉक्स में भी फिल कर सकता हूँ। तो सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए भी मेरे पास में टोटल पांच ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने स्टूडेंट? पांच ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर मुझे दो ब्लैंक स्पेसेस फिल करनी है, पहला ब्लैंक प्लेस एंड सेकेंड ब्लैंक स्पेस फिल करनी, तो मैं इसको पांच पांच अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट? फिल कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंगली मैं इसे 25, क्योंकि यहाँ पे एंड आ रहा है स्टूडेंट, दोनों प्लेस फिल करनी थी आपको और दोनों प्लेस फिल करने के लिए आपके बीच में एंड आ रहा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 25 डिफरेंट वे से आप क्या कर सकते हो? स्पेस लेटर के टू लेटर्स या टू डिजिट वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो देखते स्टूडेंट, ओके, आपको टू लेटर्स वर्ड्स बनाने थे, तो आप 25 वे से आप टू लेटर्स वर्ड्स बना सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड है। ओके, इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट देखते हैं। तो टू लेटर्स इज टू बी फॉर्म्ड, कितने लेटर? टू लेटर वर्ड इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्पेस, जो कि पांच लेटर का, कितना स्टूडेंट? पांच लेटर का वर्ड है, उससे आपको टू लेटर वर्ड्स बनाने हैं। तो व्हेन रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड, फर्स्ट लेटर कैन बी फिल इन फाइव वेज, ठीक है। कितने वे से? फाइव वे से मैं इसे भर सकता हूँ। एंड सेकेंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन फाइव डिफरेंस वे, क्योंकि सेम लेटर मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ स्टूडेंट। तो सेकेंड ब्लैंक प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास में पांच डिफरेंट वे अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एंड है स्टूडेंट यहाँ पे, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ टू लेटर वर्ड्स इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव विच विल गिव मी 25। तो 25 डिफरेंट वे से मैं टू लेटर वर्ड्स बना सकता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड क्वेश्चन, वेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला ब्लैंक प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास पांच लेटर्स अवेलेबल है, तो पांच में से यहाँ पे मैं कोई भी लेटर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है स्टूडेंट, समझो मैं यहाँ से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने ई को यूज़ कर लिया, पहला
पहले वाले बॉक्स में ई को यूज कर लिया, तो सेकंड बॉक्स फिल करने के लिए मेरे पास में सिर्फ चार ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट एंड, आपको पहली प्लेस भी भरनी थी और दूसरी प्लेस भी भरनी थी, तो पहली प्लेस को आप पांच अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हो और सेकंड प्लेस को आप चार तरीके से फिल कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल पॉसिबिलिटी मिल जाएगी जो कि होगी आपकी 20 वेज, 20 वेज से आप इन लेटर्स को फिल कर सकते हो। तो व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, कितने वेज से 5 वेज से आप फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, कितने चार अलग अलग तरीके से सेकेंड लेटर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्यों क्योंकि एंड है स्टूडेंट, दोनों प्लेस आपको फिल करनी थी करेक्ट। बाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ टू लेटर वर्ड्स इज इक्वल टू 5 × 4 = 20। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये फोर्थ सम भी होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ सम की तरफ। ये भी सेम स्टूडेंट, इस चैप्टर की खासियत ये है कि सब सम्स रिपीटेटिव टाइप ही है। ठीक है, अगर आपको एक दो सम भी अच्छे से समझ जाता है तो बाकी के सम्स आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे। ठीक है, खाली आपको एक पैटर्न, एक रिदम आपको बस क्या करनी है, पकड़नी है इसकी, और बाद में आप सारे सम्स वैसे के वैसे ही है, रिपीटेटिव है बस। ठीक है, तो देखिए ये पिछले सम से काफ़ी मिलता जुलता है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, पीछे 2 डिजिट लेटर थे, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट नंबर दिए है, 5 डिजिट्स दिए हुए, उससे मुझे 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और कंडीशन है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड और सेकेंड है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर्स फॉर्म करने, पिछले सम से थोड़ा सा ये डिफर करता है यहाँ पे। ठीक है, 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है उस टाइम पे, अगर आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंक प्लेस ही रखी हुई है, एक और आ जाएगा इधर। ओके, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस, क्योंकि ये नंबर से डील करें स्टूडेंट, हम यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100 नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट लेटर आपको फॉर्म करना है और बोला गया है, और बोला गया है यहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, अगर आपको 3 डिजिट लेटर यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जो 100 की प्लेस है स्टूडेंट यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 100 की प्लेस पे 0 लिख देंगे स्टूडेंट तो वो नंबर 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, ना कि 3 डिजिट नंबर। तो हम 100 की प्लेस पे 0 के अलावा कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी कुछ क्या बोलते हैं कंडीशंस होगी या फिर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस कंडीशन को या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट कीजिए, तो आपका सम कभी गलत नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 3 डिजिट नंबर बोला हुआ, 100 प्लेस पे अगर 0 होगा तो मेरा वो 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले हम 100 प्लेस को भरने की कोशिश करते हैं, तो 100 प्लेस को मैं कितने वे से भर सकता हूँ स्टूडेंट, 0 के अलावा सारे नंबर यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं 100 प्लेस को 1, 3, 5, 6 में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको 4 डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 4 डिफरेंट नंबर से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझो मैंने कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 1 समझो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे अगर 10th प्लेस की जगह फिल करनी है तो भी मेरे पास में 4 ऑप्शन अवेलेबल होगा, 1, 2, 3, 4, तो 10th प्लेस को भी मैं 4 डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। अब मानते हैं हम यहाँ पे कि हमने नंबर 3 ले लिया, क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो यूनिट प्लेस को भरने के लिए स्टूडेंट सिर्फ मेरे पास 3 ही नंबर अवेलेबल होगा, जो कि होगा 0, 5 और 6। अब क्योंकि आपको तीनों भी जगह भरनी थी, 100 प्लेस एंड 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड होगा तब, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, नॉट अलाउड का केस बता दिया, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, ओके रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, जस्ट वेट, ठीक है, 100, टेंस एंड यूनिट, अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो पहले तो 100 प्लेस को मैं 4 वे से फिल कर सकता हूँ, करेक्ट ना, 4 वे से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 यूज़ नहीं कर सकता,
तो 10th प्लेस को, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है स्टूडेंट, तो मैं 10th प्लेस को 5 डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं यूनिट प्लेस को भी 5 डिफरेंट नंबर से क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके फाइन, तो यूनिट प्लेस को भी मैं 5 डिफरेंट वे से क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली 5 5 25, 25 4 100, तो टोटल 100 डिफरेंट वे से मैं 3 डिजिट नंबर फ्रेम कर सकता हूँ। ध्यान रखना है जो कंडीशन वाला जो होगा वो कंडीशन को आपको पहला फिल करना है, फिर बाकी के आपको नंबर्स डिसाइड करने हैं। ठीक है, सो 3 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 0 1 3 5 एंड 6। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड इन दैट केस 100th प्लेस शुड बी फिल अ नॉन जीरो नंबर। 100th प्लेस जैसे मैंने आपको बोला नॉन जीरो नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो वो आपका 2 डिजिट नंबर कहलाएगा, करेक्ट। तो 100th प्लेस नॉन जीरो होना चाहिए। अकॉर्डिंगली इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ 1 3 5 6। ठीक है, 1 3 5 6 में से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 4 वे से आप इसको फिल कर सकते हो, कितने 4 वे से आप इसको फिल कर सकते हो। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है स्टूडेंट 10th प्लेस को, ठीक है, जीरो कैन अपियर इन 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो अकॉर्डिंगली आप 10th प्लेस को आप 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हो, और यूनिट प्लेस को भी आप 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हो। तो 10th प्लेस को 5 डिफरेंट वे में और यूनिट प्लेस को 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली बाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड इज 4 × 5 × 5 विच कम्स टू 100। ठीक है, कितना आ रहा है स्टूडेंट, 100। ओके नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग। वेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है स्टूडेंट। अब क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैं 100th प्लेस को 4 डिफरेंट वे में फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो यूज़ नहीं करना है। 5 नंबर भले अवेलेबल है, बट क्योंकि जीरो यूज़ नहीं करना है, मैं फर्स्ट 100th प्लेस को मैं 4 डिफरेंट वे से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है स्टूडेंट। तो मैं 4 नंबर से समझो कोई भी नंबर अगर मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो 10th प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास में अभी भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। एंड लास्टली यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए, समझो यहाँ पे मैंने 3 यूज़ कर लिया है 10th प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए स्टूडेंट मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा स्टूडेंट्स 10 20 30 18 48, कितना 48 डिफरेंट वे है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसे फिल कर सकता हूँ। ओके तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका। 100 डिजिट शुड बी ए नॉन जीरो नंबर, हैंस इट कैन बी एनी नंबर आउट ऑफ 1 3 5 एंड 6। अकॉर्डिंगली 100th प्लेस कैन बी फिल इन 4 डिफरेंट वे, यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन, ओके ओके 100th प्लेस इज टू बी सिलेक्टेड इन 4 डिफरेंट वे। 10th प्लेस यहाँ पे रह गया स्टूडेंट, 10th प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज एंड यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 3 डिफरेंट वे। यहाँ पे 10th प्लेस का मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, स्किप हो गया वो, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बाई यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड इज 48। कितना स्टूडेंट्स, 48 तरीके से आप नंबर फॉर्म कर सकते हो 3 डिजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्दर अहेड, सिक्स सम। ओके हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं तो मैं 3 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। तो 3 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट 2 3 4 5 6 वेयर डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 डिजिट नंबर दिए हुए स्टूडेंट। अभी यहाँ पे क्योंकि जीरो नहीं है स्टूडेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको टोटल 5 डिजिट्स दिए, कितने दिए 5 1 2 3 4 5 डिजिट दिए। तो पहले प्लेस को आप 5 डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड प्लेस को आप 4 डिफरेंट वे में, एक मिनट रिपीटेशन अलाउड है ना, तो पहले प्लेस को आप 5 डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो, सेकंड ब्लैंक को भी आप 5 डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो, एंड लास्टली थर्ड ब्लैंक प्लेस को भी आप 5 डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है स्टूडेंट और यहाँ पे जीरो भी नहीं जैसे पिछले सम में था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
में जो आप फिल कर सकते हो नंबर, थ्री डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हो जब रिपीटेशन अलाउड होगा, वो होगा 5 × 5 × 5 विच कम्स टू 125। तो 125 डिफरेंट नंबर्स आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो ब्लैंक है वो 5 डिफरेंट वे में, एंड सेकेंड जो है वो 5 डिफरेंट वे में, थर्ड जो प्लेस है वो भी आप अगेन 5 डिफरेंट वे में फिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट टोटल 125 वे हो गए। चलिए इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट कैन बी फिल इन 5 वेज, आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड 10th प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 डिफरेंट वे अगेन, एंड लास्टली 100th प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 डिफरेंट वे अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट तीनों भी प्लेस फिल करनी है, एंड 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 वाली कंडीशन आ रही है, तो थ्री डिजिट नंबर जो फॉर्म हो गया वो क्या करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 विच कम्स टू 125। तो 125 डिफरेंट वे है जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के नंबर फॉर्म कर सकते हो गिवन डिजिट्स की मदद से। ओके, नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट विथ 7th सम। अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग। जो लॉक होता है रिंग वाले लॉक, उसके 3 रिंग्स हैं, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था, मैंने एक रिंग वाला लॉक बताया था आपको। तो अ लेटर लॉक हैज 3 रिंग्स, ईच रिंग हैज 5 लेटर, हर रिंग में 5 लेटर है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल दैट कैन बी मेड रिक्वायर टू ओपन द लॉक। तो हम कितना ट्रायल कर सकते हैं स्टूडेंट वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 रिंग है, तीनों रिंग में 5-5 लेटर्स है, ठीक है, और कितना नंबर ऑफ ट्रायल हम कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो लॉक हैज 3 रिंग्स, ईच रिंग कंटेन 5 डिफरेंट लेटर, तो 5 में से आपको 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, करेक्ट। तो पहले 5 लेटर्स में से आप कोई भी लेटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला रिंग फिल करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड एंड मतलब सेकंड मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रिंग फिल करने के लिए भी आपके पास 5 ऑप्शन है, क्योंकि वो रिंग में 5 लेटर्स अवेलेबल है। एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, थर्ड रिंग को फिल करने के लिए भी अगेन आपके पास 5 लेटर है, तो 5 में से आप कोई भी लेटर ले सकते हो। तो अगेन यहाँ पे 5 आएगा स्टूडेंट, तो तीनों भी 5 × 5 × 5 अकॉर्डिंगली देयर वुड बी 125 ट्रायल्स टू ओपन द लॉक, ठीक है ना। तो 125 ऑप्शंस हो गए। इससे प्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट वो देखते हैं। सबसे पहले अभी अ लेटर है, अ लेटर फ्रॉम 3 रिंग्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वे, ठीक है। अ लेटर सिलेक्ट करना है ईच रिंग के लिए, ठीक है, ईच रिंग के लिए एक लेटर सिलेक्ट करना है जो हम 5 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दैट कैन बी मेड इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 विच कम्स टू 125। तो 125 वे से आप क्या कर सकते हो, लेटर्स को फिल कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट। ओके सॉरी, 125 तरीके है ट्रायल करने के लिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल डेट कैन बी डेट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। तो कितने ट्रायल्स रिक्वायर्ड हो गए लॉक ओपन करने के। लास्ट ट्रायल तो ओपन हो जाएगा, 125 वेज तो है नंबर्स को अरेंज करने का, बट अगर मैं 124 नंबर ट्राई करूँ तो मे बी वो ओपन ना हो, 125th में वो ओपन होगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं आउट ऑफ 124 रॉन्ग, आउट ऑफ दिस 125 जो टोटल ट्रायल है उसमें से 124 आपके रॉन्ग अटैम्प्ट हो गए, और 125th जो अटैम्प्ट होगा वो डेफिनेटली करेक्ट होगा, उसकी मदद से लॉक ओपन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा 7th सम। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सम की तरफ, ठीक है। तो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक आर 125 से ज़्यादा अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 125 में सारे टाइप के कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लास्ट सम स्टूडेंट आज के स्लाइड के लिए, बाकी के सम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इन अ टेस्ट देयर हैज 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 5 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आए हुए स्टूडेंट्स। नो स्टूडेंट्स हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर, किसी भी स्टूडेंट्स को सारे के सारे करेक्ट आंसर्स नहीं मिले, ठीक है ना। मतलब सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर्स थे वो कहीं ना कहीं रॉन्ग थे, ठीक है। मतलब सभी के सभी स्टूडेंट्स के 5 के 5 आंसर करेक्ट नहीं आए। ओके, समझा आपको यहाँ पे। अब हम मूव करते आगे। एंड नो सीक्वेंस ऑफ आंसर इज रिपीटेड, और आंसर के सीक्वेंस भी रिपीट नहीं हुए, ना तो सभी करेक्ट आए ना तो सीक्वेंस रिपीट हुए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर दिस इज पॉसिबल, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा ताकि सभी के सभी पॉसिबिलिटीज कवर्ड हुई होगी, ठीक है। दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई किया, एक भी बच्चे का सभी आंसर राइट नहीं आया, और किसी भी दो बच्चों का जो सीक्वेंस था आंसर का, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं वो सीक्वेंस भी सेम नहीं था। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है
फॉर इच सेट ऑफ फाइव ट्रू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इच क्वेश्चन मस्ट बी आंसर इन टू वे। तो पांच क्वेश्चन के आंसर दो वे में हो सकते हैं, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये आपके पांच क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव। तो हर क्वेश्चन के जो आंसर हो गए स्टूडेंट, कितने पॉसिबिलिटी हो गया, टू। इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो दो ऑप्शन, इसके सेकेंड क्वेश्चन के भी दो ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन के भी दो ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन के भी दो ऑप्शन एंड फिफ्थ क्वेश्चन के भी दो ऑप्शन। ठीक है, अभी सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी थे तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज जिसको मैं ट्रू फॉल्स की सीक्वेंस को अरेंज कर सकता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। ओके, बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ आंसर इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 32। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो 32 डिफरेंट वे में हम आंसर को लिख सकते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा। क्या रिपीट नहीं होगा, सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिया क्वेश्चन, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, एक भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं लिखा, एक भी बच्चे ने सभी के सभी ऑल ऑल करेक्ट आंसर्स नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे लिखे उसमें एक तो करेक्ट होगा ना। अब क्योंकि सभी बच्चों का आंसर करेक्ट नहीं था तो जितने भी हमें पॉसिबिलिटी मिली 32 उसमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस ऐसा होगा कि इसमें सभी के सभी क्या हो गए, राइट हो गए, करेक्ट। सिंस नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इन क्लास इज इक्वल टू 32 - 1 विच गिव मी 31। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ऐसे 31 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, एक भी आंसर्स करेक्ट, सॉरी सारे के सारे आंसर्स करेक्ट नहीं लिखे, और किसी भी दो स्टूडेंट का जो सीक्वेंस था ट्रू और फॉल्स का वो सेम नहीं था। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ था, एज नो स्टूडेंट हैज गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, किसी भी बच्चे का जो आंसर का सीक्वेंस था वो सेम नहीं था, तो मैक्सिमम ऑफ नंबर जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इक्वल टू नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ आंसर गिवन, कितना, जो कि 32 है, सीक्वेंस जो है वो 32 है, बाय द स्टूडेंट इक्वल टू 31। तो 32 में से एक हमने माइनस कर दिया जो कि सबकी सभी करेक्ट है, वैसा तो केस था नहीं, तो टोटल 31 स्टूडेंट से स्टूडेंट कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होगी क्लास में, 31, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कवर होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला एक्सरसाइज था 6.1 12th स्टैंडर्ड का वो समझ में आ गया रहेगा, और सेम कॉन्सेप्ट आपके FY BCom के लिए भी एप्लीकेबल है, वहाँ पे भी सेम एक्सरसाइज दी हुई है। तो ये देखने के बाद में आप डेफिनेटली इजीली, अगर आप BCom में हो, BEF में हो, BMS में हो, अगर आपको मैथ्स है और ये चैप्टर है तो डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।